नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म्स, अगर वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और उनके हमें कंपोनेंट्स के साथ दे रखे हैं और हमें कहा जाए कि भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप. और अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो ए थ्री के कैप और प्लस बी थ्री के कैप. दो अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है. तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए वन बी वन इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए वन बी टू, क्योंकि ये दोनों स्केलर हैं ए वन और बी टू, इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स. और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए वन आई कैप क्रॉस के कैप, और प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए टू बी वन जे कैप क्रॉस आई कैप. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए टू बी टू इंटू जे कैप क्रॉस जे कैप, और प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए टू बी थ्री जे कैप क्रॉस के कैप, और प्लस जब ए थ्री और बी वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए थ्री बी वन के कैप क्रॉस आई कैप, और प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए थ्री बी टू के कैप क्रॉस जे कैप, और प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए थ्री बी थ्री के कैप क्रॉस के. तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि भी हमें पता है कि अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम के साथ लें तो वो जीरो बन जाते हैं. तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा. ये तीन टर्म में जीरो हो जाएंगी, टोटल नौ टर्म है, नौ टर्म में से तीन टर्म जीरो हो जाएंगी, बाकी छः टर्म रह गई हैं. आई कैप क्रॉस जे कैप जो हमारे पास होता है वो के कैप होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं के कैप. हमें मिल गया ए वन बी टू के कैप, और इसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप में, तो आई कैप क्रॉस के कैप होता है माइनस जे कैप, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस जे कैप. हमें मिल गया आई कैप क्रॉस के कैप को हमने मल्टीप्लाई किया था, ए वन बी थ्री यहाँ पर आना था, तो हमें मिल गया ए वन बी थ्री और ये माइनस जे कैप, तो हम लिख सकते हैं ए वन बी थ्री जे कैप. और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई हमें मिलता है माइनस के कैप, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस के कैप. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ए टू बी वन के कैप जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा है तो इसको हम माइनस के कैप लिख रहे हैं. और यहाँ से ए थ्री बी टू और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई के इक्वल है, तो इसकी जगह आई लिख सकते हैं. तो हमें मिल गया प्लस ए टू बी थ्री आई कैप, और के क्रॉस आई जो है वो जे कैप के इक्वल है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं जे कैप. तो हमें मिल गया ए थ्री बी वन जे कैप, और के क्रॉस जे जो हमारे पास है के क्रॉस जे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस आई कैप, इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस आई कैप. तो हमें मिल जाएगा माइनस ए थ्री बी टू आई कैप. तो ये टोटल हमें मिल गया है, टोटल नाइन टर्म्स थी, नाइन टर्म्स में से तीन टर्म्स जीरो भी हैं और बाकी छः टर्म्स हमारे पास ये बची हैं. तो इसको हम लिख
लिख सकते हैं, आई कैप वालों को हम अलग कर लेते हैं, जे कैप वालों को अलग और के कैप वालों को अलग। तो आई कैप वाले मेरे पास ये दो हैं टर्म है, जिनमें से अगर मैं आई कैप कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, और प्लस जे कैप वालों को अलग अगर मैं करूँ तो मुझे मिलता है ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री और प्लस के कैप कॉमन लूँ मैं अगर इन दोनों में से तो मुझे मिलता है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इसको मैं लिख सकता हूँ आई कैप इंटू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस साइन तो मेरे पास ये बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन और प्लस के कैप, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन ए टू बी वन बी टू। तो मुझे मिलेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो आप देख रहे हो ये सब, ये जो एक्सपेंशन है ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट की है, आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी। तो इस डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करना क्या है, आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिखना है, पहले वाला जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखने हैं ए वन ए टू ए थ्री, और दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं बी वन बी टू बी थ्री। और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, सबसे पहले आएगा आई कैप, इन दोनों को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री, टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट। उसके बाद जब माइनस जे कैप लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो हमें फिर टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री, और प्लस के कैप लेके इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो हमें फिर टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा ए वन ए टू बी वन बी टू। जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे व्हेन वी एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट वी विल गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।